हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी नॉलेज अड्डा। लखनऊ सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ की हिस्ट्री के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हम सभी को पता है कि लखनऊ को प्राचीन काल में लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है और पुराणों में भी वर्णित है कि इस पर श्री राम के भाई लक्ष्मण का राज्य था, जिस कारण इसे लखनपुर या लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था। एक और मान्यता है, कहा जाता है कि जब श्री राम ने माता सीता को वनवास दिया था तो माता सीता को गंगा के किनारे बसे ऋषि वाल्मीकि के आश्रम तक पहुंचाने का कार्य लक्ष्मण जी को सौंपा गया था, जिन्होंने अयोध्या से अपनी यात्रा शुरू की और गोमती के तट पर स्थित आश्रम में रात को आराम किया और दूसरे दिन सुबह अपनी यात्रा शुरू की, जिसके बाद वे दोपहर में गंगा के तट पर पहुंचे। फिर वहां से नाव से गंगा को पार कर सरिता तट पर स्थित ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में माँ सीता को छोड़ दिया। जिस टीले पर लक्ष्मण जी ठहरे थे उसे आज भी लक्ष्मण टीले के नाम से जाना जाता है और यहाँ मिले साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ मंदिर उपस्थित था। मुगलों के आगमन के बाद औरंगजेब ने हिंदुओं पर अतिरिक्त कर लगाना शुरू कर दिया और अवध की देखभाल के लिए एक सुल्तान को नियुक्त किया, जिसने मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया, जो आज भी टीले वाली मस्जिद के नाम से जानी जाती है। हुमायूं ने अवध को लगभग 1555 ईस्वी के आसपास मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था, जिसके बाद सम्राट जहांगीर ने अवध में एक पसंदीदा रईस शेख अब्दुल रहीम को नियुक्त किया। अवध के नवाबों को नवाब की ख्याति तीसरे नवाब के शासनकाल के बाद हासिल हुई, जिसके बाद नवाबों ने कई सराहनीय कार्य किए। इन्होंने अपने शासनकाल में संगीत, नृत्य, कला और कई स्मारकों का निर्माण कराया। अवध के तीसरे नवाब नवाब सुजाउल दौला लगभग 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बक्सर की लड़ाई में पूरी तरह से हरा दिया गया, जिसके बाद अवध के चौथे नवाब आसिफ उद दौला ने अपने दरबार को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर लिया। लखनऊ की आज की तस्वीर की शुरुआत नवाब आसिफ उद दौला ने ही 1775 में की, जिन्होंने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया और इसे बुलंदियों तक पहुँचाया, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19वीं सदी की शुरुआत तक राज्य के अधिकतर क्षेत्रों और अधिकारों पर नियंत्रण कर लिया और सन 1798 में पांचवें नवाब वजीर अली खान को अपने पद को छोड़ना पड़ा और अंग्रेज़ों ने इसके बाद सआदत अली खान को गद्दी पर बिठाया, जो कि उन्हीं के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया। और सन 1801 की संधि में अवध का एक बड़ा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके बाद 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेज इस व्यवस्था से तंग आ गए और अवध पर नियंत्रण की मांग करने लगे और सन 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले अपने सैनिकों को सीमा पर स्थापित किया, फिर पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह को जेल में डाल दिया गया। सन 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में लखनऊ भी एक था। सन 1902 में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांतों के गठन के साथ मुख्य आयुक्त पद हटा दिया गया और 1947 के भारतीय स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश राज्य में पुनर्गठित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाली वीडियोस में लखनऊ से रिलेटेड और जानकारियाँ लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।